मसरत आलम की रैली में पाकिस्तान का झंडा लहराने के मामले ने जहां राज्य सरकार और केंद्र सरकार को हिलाकर रख दिया है, तो वहीं इस सारे मामले पर अलगाववादी नेता मसरत आलम ने एक और बयान दे दिया है। आलम ने कहा है कि ना तो वो भारतीय हैं और ना ही कश्मीर भारत का हिस्सा है। मसरत का कहना है कि उन्हें किसी की का भी भय नहीं है। उन्होंने कहा है कि उन पर FIR दर्ज किया जाना नई बात नहीं है। पहले तो मैं इंडियन नहीं हूँ, तो न रियासत जम्मू कश्मीर इंडिया का कोई हिस्सा है। फ्लैग्स लोगों ने लहराए होंगे, तो उसमें ये कोई नई बात नहीं है। 1947 से लेकर आज तक फ्लैग्स लहराए जा रहे हैं, तो आपने 2008 में भी देखा होगा, 10 में भी देखा होगा, हजारों जगह पे फ्लैग्स होस्ट किए गए। ये कोई आज नई बात नहीं है यहाँ। नहीं, कोई डर नहीं है। ये कोई पहली बार नहीं है कि हमारे खिलाफ FIR लगा रहे हैं। इससे पहले भी सैकड़ों FIR लग चुके हैं, तो एक और सही, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। कोई फर्क नहीं है, पहले भी ऐसा ही होता रहा है। ये आज मीडिया इसको बड़ा चढ़ा के पेश कर रहा है, वरना इससे बड़ी रैलियां यहाँ हुई हैं जिसमें 10 लाख लोगों ने शिरकत की। तो आप 2008 में 10 लाख लोगों ने ईदगाह का रुख किया, तो वहां परचम कुशाए लहराए जा रहे थे, नारेबाजी हो रही थी। पहली बार ऐसा नहीं हुआ रहा है। आपका सवाल था कि कल आपने लहराया, मैंने खुद नहीं लहराया, ये एक हकीकत है, लेकिन लोगों ने लहराया तो मैं उसको जायज समझता हूँ। देखिए, ये लोगों का काम है झंडे लहराना वगैरह, तो वो लोगों पे आप छोड़ दीजिए, लेकिन ये पहली बार नहीं है। ऐसा होता रहा है, ऐसा होता रहेगा, जब तक भारत इस चीज को न समझ ले कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोग उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं। ये एक हकीकत है। हमारी रैलियां तो पीसफुल हुआ करती हैं, तो उसको जब रोका जाता है तो फिर उसके बाद पुलिस तशद्दुद करती है, तो उसको पीसफुल रहने नहीं देती है, वरना हमारी हर कोई रैली इंशाल्लाह पीसफुल रहेगी। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।